पिछले दिनों नितिन गडकरी ने बक्सर में 3,390 करोड़ रुपए की लागत से 91.75 किलोमीटर लंबा दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण किया। इससे बिहार की आधारभूत संरचना और भी बेहतर होगी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि नितिन गडकरी ने कई शानदार परियोजना का सौगात राजधानी पटना और पूरे बिहार वासियों को दिया है, तो आज इन्हीं परियोजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि परियोजना में गंगा नदी के ऊपर हवाई जहाज उतारे जाएंगे, इस परियोजना पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं पटना न्यूज। चलिए सीधा तौर पर हम इन परियोजना पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजधानी पटना में रिंग रोड के बारे में। आपको बता दूं कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4,000 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी पटना में बनने वाले शानदार रिंग रोड परियोजना की चर्चा की और इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पटना से आरा होते हुए सासाराम तक 118 किलोमीटर नई ग्रीन फील्ड सड़क बनाई जाएगी। आपको बता दूं कि ग्रीन फील्ड सड़क का सीधा मतलब होता है कि नई तौर पे 118 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। गंगा नदी में उतरेगा हवाई जहाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि राजधानी पटना के गंगा नदी में सीधा तौर पर हवाई जहाज उतारे जाएंगे और यहाँ से हवाई जहाज उड़ान भी भरेगी। केंद्रीय मंत्री ने इसकी खुद जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि करीब 1,000 विमान खरीदे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि इससे टूरिज्म को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा और वाराणसी से हल्दिया तक जल मार्ग बन चुका है। इसके अलावा आपको बता दूं कि गंगा का विकास तेजी से हो रहा है और वाराणसी से हल्दिया तक जल मार्ग बन चुका है। पानी से होकर जाने में खर्च भी बहुत कम आता है, इसलिए इस तरह का परियोजना बिहार और पूरे देश को लाभ देगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।